दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल एवं टुडे आज तक न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुनाना थाना अंतर्गत गांव जमालगढ़ में पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है एक घर में शादी थी, वो कुछ जो है शादी का सामान लेने के लिए पुनाना जा रहे थे। तो सिहरी गांव में यानी कि इनकी बाइक वगैरह और कुछ इनके साथ में जो बुरी तरीके से मारपीट की गई है और जो है सोने के कुछ जेवरात, सोने चांदी के जेवरात ये लोग बता रहे हैं कि लूट की गई है। हालांकि पुनाना थाना पुलिस ने इस संदर्भ में मेमुना की शिकायत पर जो है मामला दर्ज कर लिया है। हमारे साथ पीड़ित परिवार है, ये बताया आखिरकार क्या था पूरा मामला। क्या नाम आपका? मेरा नाम अफसर है। तो अफसर, ये मेमुना है जो, क्या लगती है आपकी? तो इसने एक शिकायत दी है जो पुनाना थाने में कि भाई उनके साथ में कोई लूट पाट की गई है, कोई मोटरसाइकिल छीन ली गई है, क्या था ये मामला? हाँ जी, लूट पाट करी गई है। हमारे जो गांव के है, एक सल्ली है, एक असलम है, एक निजाम है, जो ये माने बेटा कहते हैं हमारे यहाँ के, हमारी अम्मी सामान के लिए, सामान के लिए, ब्याह के सामान के लिए जा रहे थे। एक मेरा छोटा भाई है, एक चाचा का लड़का था, वो तीनों बाइक पे जा रहे थे जमालगढ़ से पढ़ाने के लिए। तो यहाँ वो जा रहे थे, तो हमारे गांव से आगे सीसी गांव पड़ता है, उस गांव में हमारे गांव के जो भी बदमाश सल्ली है, असलम है, निजाम है, आसिफ है, तारीफ है, इन्होंने वारदात करी थी जी। आगे पीछे बाइकों से घेर के लाठी डंडा चार्ज करे थे और हमारी अम्मी के गले से एक हंसली है, उसको ले गए, बाइक को छीन के ले गए। 30,000 रुपये था सामान के लिए जा रहे थे, उसको छीन के ले गए। मारपीट करी थी भाई के साथ भी, चाचा के लड़के के साथ भी मारपीट कर रही थी और छीन के ले गए जी। मैं आपको बता दूं कि अगर पीड़ित के मुताबिक सिहरी गांव का ये सारा मामला बताया जा रहा है, क्योंकि कोई शादी थी, शादी का सामान के साथ साथ बाइक वगैरह 30,000 रुपये नगद और कुछ जो जेवरात वगैरह छीनने की इसमें बात भी आ रही है। हालांकि पुनाना थाना पुलिस ने आप लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या चाहते हो आप लोग? हम तो जी न्याय चाहते हैं जी, जो जायज काम है वो होना चाहिए हमारे साथ। अभी तक ना तो मुलजिम को गिरफ्तार हुआ, ना ही कोई, ना तो मुलजिम गिरफ्तार किया पुलिस, ना भी कोई बाइक हमारी कोई चीज भी बरामद नहीं करी है, ना ही घर पर रेड मारी है पुलिस उनके घर पर। अभी तक पुलिस कार्रवाई करे, हाँ पुलिस कार्रवाई करे जी, जो जो चाहे वह करे। कुल मिलाकर अगर इस मामले में देखा जाए तो हालांकि पुनाना थाना पुलिस ने इस संदर्भ में जो है दर्जनों व्यक्तियों के खिलाफ कानून अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की जो है इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बल्कि ये लोग बता रहे हैं कि एक बाइक जो छीनी गई है, अभी तक पुलिस द्वारा ना कोई किसी प्रकार की बाइक बरामद की गई है। अब देखना पुनाना थाना पुलिस को है आखिर मामले से जुड़े सभी आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं और कब तक इन लोगों को न्याय मिल पाता है और इनकी कब तक बाइक वगैरह जो सोने के जेवरात वगैरह पुलिस द्वारा बरामद किए जाते हैं। तो ये मामला था जी, क्या मामला था? बाद में यहाँ आके नहीं, जो दूल्हा जी वो कपड़ा गुजारा थे वहाँ जाके वो ढेले फिर उनको मम्मी पापा ने मतलब पड़ी आए वहाँ से, फिर वहाँ छत पर करके नहीं, बीच में हमारे साहु का लड़का घर है, फिर उसको मारपीट करिए, उनको बच्चा जब लगी बीच में मेमुना घर की लड़ाई करी थी। तो पुलिस ने आप लोगों की शिकायत पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या चाहते हो आप लोग? ना जी, ये जो भी दरखास्त है ये दर्ज नहीं करी, ये दरखास्त देकर आया। तो दोनों पक्षों की लड़ाई में यानी तुम बीच में कैसे आ गए? बीच में क्या, हमारे घर बीच में हमारे बता रहे थे ऊपर हमारे बार जवार जा बार जा कूल जा कूल बता की साइड से बनी जो फोटो। अच्छा, ये हमारी जो है लड़का की बहू ही, बार की मतलब चोट आई है, बच्चा की चोट आई है। कुल मिलाकर दो परिवारों का एक झगड़ा होता है, यानी कि दो में झगड़ा होता है, तीसरे में ऑटोमेटिक ही वो झगड़ा चला जाता है जब बीच बचा वहाँ पर होता है। तो इस घर के जो सदस्य हैं उन पर जो है बुरी तरह वार किया गया और उसकी जो है घर में रखा घरेलू सामान वगैरह पूर्ण तरीके से दबंगों द्वारा तोड़फोड़ किया गया है। हालांकि इन लोगों ने भी अपनी शिकायत पुनाना पुलिस को दे दी है, बल्कि एक मेमुना की शिकायत पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देख रहे हैं ये होगा आखिरकार पुनाना पुलिस इस मामले को किस हद तक लेकर जाती है और कब तक इस मामले में आरोपी गिरफ्तार।